वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज बाय राजेश सर। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज कई दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो अभी थोड़ा ये जो फ्री टाइम का दौर चल रहा है, या ये इसको हम क्रिटिकल टाइम भी कह सकते हैं, पेंडेमिक जो चल रहा है अभी कोविड-19, तो सभी लोग अपने घरों में सेफ हैं। और मैं भगवान से ही गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी सेफ रहें। तो आज कई दिनों बाद में ये वीडियो बनाने का मन किया, तो मैं थोड़ा सा जो है एक मोटिवेशन के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टाइम से रिलेटेड टू इंग्लिश कुछ टॉपिक्स लेकर के मैं फिर से आपके सामने आता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, और कुछ बीच बीच में मोटिवेशन वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा। मुझे आशा है कि आपका मुझे सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में पेंडेमिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी जो दौर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो दौर है सभी के लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो है मिडिल क्लास फैमिली और जो मज़दूर वर्ग है, जो डेली वेजिस में काम करते हैं या डेली कमा के लाते हैं, तभी उनके घर में रोटी बनती है, उनके बच्चे जो हैं सुबह शाम वही उसी मज़दूरी के आधार पर खाना खाते हैं। आज उन लोगों की मज़दूरी भी जो है वो बंद हो चुकी है इस पैंडेमिक के कारण। मजबूरी है मानते हैं इस चीज़ को, और इस मजबूरी से हम जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि वक्त गुजर जाएगा। इस वक्त पे या इस वक्त में हम एक दूसरे की जैसी भी हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करें, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं सोए। आज ऐसे कई फैमिलीज हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और स्पेशली उनकी ज़्यादा क्रिटिकल है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। खैर, ये दौर चल रहा है, और इस दौर में कई ऐसे भामाशाह भी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इससे निकलने के लिए या इस पेंडेमिक का मुकाबला करने के लिए हमें क्या क्या करना है, करते भी हैं। कुछ लोग थोड़ा सा केयरलेस हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो केयरलेस नहीं रहें, प्रॉपर अपना मास्क यूज करें, कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएं, घूमने का और भी वक्त पड़ा है, वो हम बाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है या किसी महान शख्सियत ने ये कहा है कि जान है तो जहान है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने घर पे सेफ रहें, और जो भी देसी नुस्खे हैं या जो भी मेडिसिन हैं जो इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल हैं उनका यूज करें, और अपने परिवार के साथ में सेफ रहें। इसके बाद में मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लासेस से लास्ट टाइम जो है जब चैनल चल रहा था उस टाइम कुछ बेनिफिट वाली चीज़ें उनको मिली थी, अब मैं फिर से कुछ रिलेटेड टू ग्रामर जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ मैं डेली मेरे चैनल पे डालता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स अभी फ्री हैं, तो उन चीज़ों से आप शॉर्ट एंड स्वीट जो वीडियोस मैं बना के डालता रहूँगा उनसे आप बेनिफिट लेते रहें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट भी जो मेरे कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। टॉपिक जो मैं डालने वाला हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक डालूँगा, जिसमें ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। 10 to 15 मिनट्स के वीडियो मैं डालता रहूँगा, और उनमें शॉर्ट एंड स्वीट जो मैटर है अपना रिलेटेड टू ग्रामर, जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, कॉमन टॉपिक जो होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी मैं टॉपिक डालूँगा वो इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं
उनमें आपके काम आएंगे, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट और बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो इसी आशा के साथ में जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन टॉपिक्स को ढंग से देखें, जो भी वीडियोस मैं बीच बीच में डालता रहूंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन डालता रहूंगा, तो उन टॉपिक्स को आप जो है उन वीडियोस के माध्यम से स्टडी करके और उनका बेनिफिट लेंगे। बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स आपकी होंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी जो है उसको बीच में छोड़े नहीं, रेगुलरली जो है अपनी स्टडी जारी रखें, और वन बाय वन जो भी टॉपिक हैं आपके, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एक अपना टाइम डिसाइड करके और उन टॉपिक्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि अभी आप 24 आवर्स बिल्कुल फ्री हैं, घर पर हैं, तो आप इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए जा चुके हैं। फिर भी कोई और कोई डाउट्स हैं तो आप रिलेटेड टू सब्जेक्ट टीचर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, और इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू 24 आवर्स, 24 घंटे मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, नो प्रॉब्लम। आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चैनल के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मेरे 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं कि आपको इंग्लिश रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक है, चाहे वो कंपोजिशन का टॉपिक है, चाहे वो टेक्स्ट बुक में कोई लेसन है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो आपको इंग्लिश में नहीं आनी है। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप डेली उन टॉपिक्स को क्लियर करते रहें, एक टाइम टेबल सेट कर लें आप कि मुझे इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस मुझे 2 घंटे पढ़नी है, या दूसरा कोई सब्जेक्ट आपके हिंदी लिटरेचर उसको 2 घंटे पढ़ना है, ऐसे अपना टाइम डिसाइड कर लें और उसके अकॉर्डिंग एक अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल, मैं टाइम टेबल को फॉलो करूँगा और मेरी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर आप ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे, तो रिज़ल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में आएगा और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है वो आपका आएगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स करें और उस टाइम टेबल को अपना एक प्रॉमिस मानते हुए उस टाइम टेबल को फॉलो करें, तो आपको बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट है जिसकी आपने आशा नहीं की होगी ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा शानदार रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा, जो पहले मिला उससे भी बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो मैं बार बार आपको यही कहना चाहूँगा कि टाइम टेबल बना करके और अपने स्टडी को बरकरार रखें, जारी रखें, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल फ्री हो आप, हालांकि पैंडेमिक चल रहा है लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, आपको घर पे रहना है, आप घर पे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि 24 आवर्स आप घर पर हैं। अगर आप डेली 6-7 घंटे भी स्टडी करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप करते भी होंगे स्टडी, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक टाइम टेबल आप बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करें। 6 से 7 घंटे 8 घंटे आप स्टडी कर लेते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आप में मान लो 1.5-1.5 घंटे भी स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप इतनी स्टडी आपके लिए सफिशियंट है, बट वो स्टडी रेगुलर करें आप, रेगुलरिटी है वो स्टडी में होनी चाहिए। अगर रेगुलर स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाला है, क्योंकि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, 1000 मील की यात्रा करने के लिए इंसान को एक कदम चलना पड़ता है, इसलिए आप सिलेबस को कवर करेंगे तो आप स्टार्टिंग उसकी करनी पड़ेगी, तो आप वो स्टार्टिंग करें और अपनी स्टडी को बरकरार रखें। एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब और है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतज़ार नहीं करते, इसलिए जो समय है, ये जो टाइम है, इस टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर लें, सदुपयोग कर लें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, और अगर टाइम को आपने वेस्ट किया तो फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने टाइम को जो है
वो यूटिलाइजेशन करते हुए उसका सदुपयोग करते हुए अपनी स्टडी को बरकरार रखें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, अपने जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनमें आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।